नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट कब तक आएगा। MDU, CRSU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्योंकि तीनों यूनिवर्सिटीज़ ही हरियाणा की बहुत रेनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो BEd करते हैं, जो कि चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। तो रिजल्ट कब तक आएगा, ये सबसे बड़ा देखिए स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, ताकि वो आगे की अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सके। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट होके आगे अपनी एजुकेशन करेंगे या अपनी जॉब स्टार्ट करें, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें या प्राइवेट स्कूल्स में जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। वेयर एज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे सेकेंड ईयर में और उनकी आगे जर्नी स्टार्ट होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जो कि लेट है। हम उम्मीद कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, हाल ही में कल ही ख़त्म हुए हैं, और अब हमें जो है सेकेंड ईयर का रिजल्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम 25 अगस्त को ख़त्म हो चुके हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड था कि यूनिवर्सिटी और पहले सेकेंड ईयर का रिजल्ट दे दे, क्योंकि एग्ज़ाम्स हुए, काफ़ी टाइम हो चुका है। पर बहुत एज यूजुअल देखिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थोड़ी सी लेट रहती है कई बार, तो वही परंपरा को निभाते हुए इस बार भी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा लेट है अपने रिजल्ट में। रिजल्ट कभी भी आ सकता है दोस्तों, आप अपडेटेड रहिएगा चैनल पे। जैसे ही रिजल्ट आएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया जाएगा, और वीडियो भी आपको कुछ ही घंटों में देखिए देखने को मिल जाती है जैसे ही आपका रिजल्ट आता है। यूनिवर्सिटी ने पिछली बार रिजल्ट्स में बहुत सारी गड़बड़ी की थी, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में स्पेशली। हम उम्मीद कर रहे हैं, रिजल्ट भैया टाइम लो, टाइम मतलब थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लो, बट रिजल्ट अच्छा दे दो। कई बार देखिए, कई बार ही नहीं, वैसे पिछली बार भी हुआ, उससे पिछली बार भी, बट कोविड से पहले ये सिस्टम ठीक था। इवन 2020 में जब कोविड आया था, तब भी इतनी तकलीफ स्टूडेंट्स को नहीं हुए, इतने सारे लाइक जो खराब रिजल्ट था, इतने सारे स्टूडेंट्स को फेस नहीं करना पड़ा। पर पिछले साल तो वर्स्ट कंडीशन थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं था। देखिए, हम ये चीज़ें तब मान सकते हैं कि एक स्टूडेंट बोल रहा है, दो तीन, कि भाई झूठ बोल रहे होंगे, यूनिवर्सिटी ने तो रिजल्ट अच्छा दिया होगा। पर जब मोर देन 150 स्टूडेंट्स ये चीज़ बोलते हैं, और जो हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे सवाल खड़ा होता है। यूनिवर्सिटी को टाइम लेना चाहिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को ठीक करते हुए, उसमें सुधार करते हुए, रिजल्ट जो है जिस हिसाब की स्टूडेंट्स ने मेहनत करी है एग्जाम्स में, उस हिसाब का उन्हें मिलना चाहिए। सही बात। और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लगेंगे रिजल्ट आने में, उससे पहले आप एक्सपेक्ट मत करिएगा आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर को जल्दी फ्री करती है यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट जल्दी देती है। उन्हीं का नहीं दिया है तो फर्स्ट ईयर वाले इतनी उम्मीद मत करिएगा कि महीने भर में आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल कि आपका रिजल्ट इतनी जल्दी आएगा, टाइम लगेगा। अब बात करते हैं MDU यूनिवर्सिटी की। MDU यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है, जबकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स अभी ऑनगोइंग है, एंड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स फिनिश होते ही जो है आपका रिजल्ट लाइक ऑलमोस्ट मतलब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आप देखोगे तो 40 to 60 days के बिटवीन आ गया है। MDU यूनिवर्सिटी देखिए एग्ज़ाम भी टाइम पे और जल्दी कंडक्ट कराती है एज़ पर द एनुअल कैलेंडर, और रिजल्ट भी उसी टाइम पे देती है। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी काफ़ी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड है, और रिजल्ट भी अच्छा ही रहता है। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट लाइक उसमें हमें गड़बड़ सुनने को मिलती है, वरना अधिकतर स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड होते हैं और पास हो जाते हैं, ठीक है, और रिजल्ट वगैरह सब टाइम पे आ जाता है। तो 40 days का टाइम पीरियड आप मान के चलो, आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम 5-10 दिन ऊपर और लगा लेना, इससे ज़्यादा रिजल्ट में टाइम नहीं लगाएगी यूनिवर्सिटी। अब बात करें CRSU यूनिवर्सिटी की, तो देखिए CRSU यूनिवर्सिटी कोविड के बाद से बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है, मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यूनिवर्सिटी को उसमें बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चेकिंग भी अच्छी नहीं होती है, उसी कारण रिजल्ट अच्छा नहीं होता, और अधिकतर स्टूडेंट्स को रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है।
और साथ में कई स्टूडेंट्स की रीअपीयर लग जाती है। रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन में भी कई बार सेम रिजल्ट दे दिया जाता है जो पहले ही दिया था, जबकि स्टूडेंट्स उसके लिए वेट करते हैं और एक पैसा, एक कॉस्ट भी खर्च करते हैं। तो CRSU यूनिवर्सिटी की साइड से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस यूनिवर्सिटी से हम यही उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे कि टाइम लो रिजल्ट में, लेकिन रिजल्ट अच्छा दो। और यूनिवर्सिटी देखिए, अभी एग्जाम्स हुए हैं आपके, तो ये लगा लीजिए एग्जाम जब हुए हैं, सेकेंड ईयर का रिजल्ट पहले आ सकता है, वरना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का साथ में ही आएगा। और 2 महीने का टाइम, 40 to 60 days का टाइम तो आपका लगेगा ही लगेगा। बहुत जल्दी ये यूनिवर्सिटी रिजल्ट नहीं देगी, और अच्छा है ना दे, बाय चांस दे दिया तो उसमें इतनी गड़बड़े होंगी रिजल्ट में, जो आपने सोचा कि रिजल्ट आ जाएगा आगे, ये करूंगा वो करूंगा, वो नहीं कर पाओगे आप। इस यूनिवर्सिटी को इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है पोस्ट कोविड, जो कि चीज़ें बिल्कुल इनकी डगमगाई हुई हैं, बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो ये था इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट अबाउट द रिजल्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का रिजल्ट अच्छा रहेगा। एंड आप कितना अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज, मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखकर ज़रूर बताइएगा, या और कोई क्वेरी आपकी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको देखने को सबसे पहले मिलेगा। कुछ मिनट्स में ही आपको अपडेट पता चल जाती है वहाँ पे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, जिस जहाँ पे भी आप ज़्यादा एक्टिव हो वहाँ पे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।